नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की किचन केमिस्ट की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे भोजन में अन्न के महत्व की, और अन्न में भी भारत में जो मुख्यतया अन्न खाए जाते हैं उसमें से एक गेहूं की। तो गेहूं पोषक तत्वों से भरपूर तो है ही, साथ ही साथ स्वादिष्ट है। उसमें यदि घी और गुड़ पड़ जाए तो क्या कहना फिर उसका। तो केवल गेहूं का आटा, गुड़ और घी, ये तीन ही चीज़ों, फिर भी उसमें से एक बढ़कर व्यंजन बनाने की विधि भारत के हर प्रांत में पाई जाती है। चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो लपसी हो, चाहे वो सत्तू हो, चाहे वो पूरन पोली हो, जिसको गुजरात में वेडमी भी कहा जाता है। और स्वाद से भरपूर तो है ही, साथ साथ यदि योग्य तरीके से उसको पकाया जाए और उसमें संयोजन किया जाए गुड़ घी और सभी अच्छे पदार्थों का, तो बहुत अच्छे व्यंजन बन सकते हैं। गेहूं के आटे की पूड़ी तो सामान्य हमारा नमकीन है कि उसकी नरम पूरी भी बना सकते हैं, जो खीर के साथ, आम रस के साथ खाई जाती है, या सब्जी के साथ भी खाई जाती है। और उसकी सूखी पूरी भी बना सकते हैं, जो नाश्ते में, माने कि जो स्नैक्स बोला जाता है, उसमें भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये जो कॉमन, माने कि सामान्य गेहूं से बनती हुई रेसिपीज, यानी कि भोजन की जो व्यंजन है, वो हर घर में बनाए जाते हैं। और उसकी बहुत सारे आज वैविध्य भी निकल पड़ा है कि ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। तो उसके तो बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास जानने के, लेकिन मुख्यतया ये देखा जाना चाहिए कि जो पदार्थ हम बना रहे हैं, वो पदार्थ की बनाने की विधि कहीं उस पदार्थ की गुणवत्ता को नष्ट तो नहीं कर रही है ना, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बात ही हम इस सीरीज़ में, ये श्रृंखला में देखने वाले हैं। तो गेहूं का जो आटा है वो जितना महीन होगा उतना ही उसके पोषक मूल्य कम और उसको उसकी पचन पचने की समय ज़्यादा होगा। जैसे गेहूं का आटा मोटा होता जाएगा, वैसे ही उसको भोजन के बाद उदर में, जठर में जाके पचने का समय कम होता जाएगा और उसका जो स्वाद है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये खास ध्यान रखें कि यदि आप चक्की का आटा भी, बाहर का आटा तो वैसे नहीं उपयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो आटा थोड़ा खुरदरा रखे, एकदम महीन मैदे जैसा आटा उपयोग ना करें। फिर गेहूं के आटे में से ही मैदा और सूजी दोनों बनते हैं। तो बहुत बार वीडियो में ये कमेंट्स भी आते हैं कि मैदे की ही जलेबी बनती हैं, और जलेबी बनाने की विधि तो भाव प्रकाश में भी है और आप बोलते हैं कि मैदा नहीं खाना है, तो ये कैसे एक दूसरे से संगत होगा कि जलेबी खा सकते हैं, मैदा नहीं खा सकते, और गेहूं के आटे की तो जलेबी ठीक बनती नहीं है। तो पहले मैदा बनता था या नहीं बनता था, और बनता था तो कैसे बनता था। तो एक आध वीडियो में ऐसा भी बनाएंगे और प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं कि मैदा बनाने की ऑथेंटिक प्रमाणभूत विधि, कैसे मैदा बनाया जाता है। क्योंकि मैदे की बहुत सारी रेसिपीज हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती हैं, तो और मैदा बनाने की विधि भी है, तो उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। और सूजी, जिससे भी हलवा बन सकता है, उससे भी बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, सूजी के भी उपमा बनती हैं, तो ये भी गेहूं का ही एक प्रकार है और वो भी हमारे रोज़मर्रा के खाने में हम उपयोग करते हैं, सूजी की वस्तु भी। लेकिन मैदा इसीलिए अवॉइड किया करने को सभी आयुर्वेद और आरोग्य के समर्थक कहते हैं कि आजकल जो फैक्ट्री का मैदा बनता है वो सड़े हुए गेहूं का बनता है। गेहूं जितने सड़े हुए होंगे मैदा उतना अच्छा बनेगा, उनकी व्याख्या में अच्छा मानी समझ जाएं आप, अच्छा मानी ज़्यादा समय जीवित रहने वाला, सड़ा हुआ है। सड़े को, वो एक कहावत है कि मुर्दे के ऊपर बिजली नहीं गिरती। अब सड़ा हुआ कितना सड़ेगा, और वो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव और केमिकल भी डाले जाते होंगे। तो सीधी सादी व्याख्या ये है कि भाई आप वही आटा उपयोग करें, वही चीज़ उपयोग करें,
जो आपके घर में सहजता से उपलब्ध हो और जिसमें केमिकल प्रोसेस कम से कम हो, तो वो पदार्थ हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए अति हितकारक है। दूसरा, पहले भी था आज भी है, एक चलन बहुत बड़ा है व्हीट ग्रास का, जिसमें गेहूं के दानों को गमलों में या फिर खेत में या जो भी है वहाँ अंकुरित करके, माने कि उसको लगा के उसके जो निकलते हैं पौधे जब छोटे छोटे होते हैं तब उसको काट के और उसका जूस बना के या ऐसे ही खाना या पीना, उसको उसको बोलते हैं व्हीट ग्रास। और फिर उसको तो उसको छांव में सुखा के उसका पाउडर बना के, व्हीट ग्रास पाउडर है, व्हीट ग्रास जूस है, आजकल उसका भी चलन बहुत प्रचलित है। तो एक डॉक्टर विगमोर करके डॉक्टर ने इसको ग्रीन ब्लड का नाम दिया है कि ये हरित रक्त है, तो इससे इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं एनेमिक पेशेंट को कि जो पांडु रोग से पीड़ित हैं, तो ये उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जैसे बाजरे और जैसे मूंग की दाल और चावल की मिला के हम खिचड़ी बनाते हैं, वैसे ही गेहूं और मूंग दाल की भी खिचड़ी बन सकती है, वो स्वाद में भी बढ़िया होती है। उसमें गेहूं रात भर भिजाने होते हैं और फिर उसको चावल के ये मूंग दाल के साथ मिला के, जो जिनको चावल से अपथ्य हैं कोई भी कारण से, तो वो ऐसी गेहूं और दाल की खिचड़ी भी खा सकते हैं। दूसरा, गेहूं में एक पथ्य पालन ये भी करना होता है कि गेहूं, यदि गेहूं की आप कोई मिठाई खा रहे हैं तो वो अपनी क्षमता के अनुसार खाएं, क्योंकि गेहूं गुड़ घी मिक्स होता है तब वो उसकी गुरु बहुत हो जाता है। तो इसके साथ जैसे कि लड्डू बनते हैं गेहूं के आटे के, चूरमे के लड्डू, उसमें जाती फल मानी जायफल और इलायची दोनों पड़ते हैं, ऊपर खसखस डेकोरेशन के लिए नहीं बिखेरी जाती है, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो लड्डू को सुपाच्य बनाती हैं। तो हमारे यहाँ जो भी व्यंजनों के साथ कॉम्बिनेशन था, जो भी मसालों का स्पीसीज का, वो भी उसके संगत था। जैसे कि आमरस में आम यदि चूस के खाया तो उत्तम, टुकड़े करके खाएं तो उससे कनिष्ठ, उससे कनिष्ठ है कि आप जूस बना के पियो कोई भी फल का, तो वो उसमें आमरस में घी और सौंठ डाला जाता ताकि आमरस के साथ दो तीन रोटी तो अधिक चली ही जाती हैं, माने कि आप अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक खा ही लेते हैं। आम की सीजन में आम ना खाया तो क्या बात हुई भाई, तो वो आपके जो थोड़े ज़्यादा खाने के कारण आपके पूरे पाचन तंत्र में जो व्याख्या, उसकी तुलना कैसे करें तो समझ लीजिए कि एक यान है, वाहन है, उसकी क्षमता केवल 50 सीट की है और उसमें हम 80 लोग चढ़ जाएं, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, इसका धक्का उसको लग रहा है, तो वैसे ही हमारे पाचन, पूरे पाचन तंत्र में गले की नली से लेके मलद्वार तक का हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है, जीभ से लेके हमारे उत्सर्जन तंत्र तक का हमारा जो भी अंदर का मेटाबॉलिज्म है वो पूरा परेशान हो जाता है। इसीलिए भारी आहार खाने के बाद नींद आती है, सुस्ती लगती है, ऐसा लगता है कि भाई अब तो जीवन भर कभी नहीं खाना पड़ेगा। गुजराती में एक कहावत है कि भूखा इतना हुआ कि पूरी दुनिया का खाना खा ले, और खाना ऐसे खाया कि जीवन भर खाना ना खाए, ऐसी गुजराती में एक कहावत है। तो उसी प्रकार हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं तो भी आमरस में पड़ा हुआ सौंठ का चूर्ण और घी हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचाते हैं, उसको सुपाच्य बनाते हैं। तो हर पदार्थ की ऐसे योजना कैसे की जाए, हर पदार्थ को ऐसे कैसे खाया जाए, उसी की बात हम आगे करते रहेंगे। गेहूं की बात हम इधर विराम करते हैं। और एक बात है कि जिसको भी पाचन की तकलीफ है वो कोई भी धान्य को यदि आटे के स्वरूप में उपयोग कर रहे हैं तो उसको सेंक के फिर आटा बनाएं, उससे उसके अंदर रहा हुआ मॉइस्चर कम हो जाता है, खास करके डायबिटिक पेशेंट माने कि प्रमेह वाले लोग और जिनका मेद बहुत है, ऐसे लोग माने कि चर्बी बहुत है, वो थोड़ा आटा ये अन्न को ही सेंक ले,
तवे पे या कढ़ाई में रख के सेंक ले, फिर उसको ठंडा होने दे, फिर उसका आटा बनाए। जैसे कि अब विकल्प ही नहीं है हमारे पास कि हमारे पास नया ही धान्य है, पुराना नहीं है, तो उसको पुराना तो हम कर नहीं सकते हैं। तो उसको ये है कि जो खास करके दर्दी पेशेंट है वो खास करके पथ्य का पालन करे तो समझ लीजिए उसकी आधी बीमारी चली जाएगी, केवल आहार की संतुलित योजना करने से ही, केवल आहार की व्यवस्थित आयोजन करने से ही। और उसी को तो सच में डाइट बोलते हैं। डाइट का मतलब ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भूखा रहना। कोई बोलता है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ तो समझ लीजिए, समझ सुनने वाले यही समझ लेते हैं कि वो आधा भूखा रहता है या कुछ ऐसा विचित्र खाता है कि जो नॉर्मल लोग नहीं खाते हैं या नहीं खाना चाहिए नॉर्मल लोग को। जैसे अंकुरित धान्य है, जैसे अलग अलग सूप है, जैसे लौकी का सूप है, वो है वो है, मानी बेस्वाद खाना खाता है वो। और बेस्वाद खाना स्वाभाविक रूप से कम खाया जाएगा, उसमें वो कोई डाइटिशियन का कोई जादू नहीं है कि वो वजन कम कर देते हैं। वो मिर्ची बंद कर देंगे, तेल बंद कर देंगे, घी बंद कर देंगे, हाँ नमक कम कर देंगे, तो फिर आप खाओगे क्या भाई? इतना खाना बेकार होगा, मानी कि स्वादिष्ट नहीं होगा, तो आपसे स्वाभाविक रूप से कम खाया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से कम खाया जाएगा इसीलिए स्वाभाविक रूप से आपका वजन मेंटेन हो जाएगा। अंकुरित धान्य आप खा खा के कितना खा पाओगे? बहुत मुट्ठी भर खाया कि आपको संतोष हो जाएगा कि अब नहीं खाना है। उसमें मसाला वसाला डाल के भेल बनाओ तो बात अलग है, लेकिन केवल ऐसे ही अंकुरित धान्य चबा चबा के आप खाओगे तो कितना खा पाओगे? और वस्तुतः जो कच्चा धान्य, जो आधा अग्नि संपर्क जिस वस्तु का नहीं हुआ है, चाहे वो आटे की बनी हुई हो चाहे वो अंकुरित धान्य हो, जिसका अग्नि संपर्क नहीं हुआ है, ऐसी प्रत्येक वस्तु हमारे पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। पशु पचा सकता है, हम नहीं पचा सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ही बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं जिन्होंने किसी के सुझाव से ऐसा डाइट फॉलो किया हो। तो उस बात का भी पूरा विवेक रखें, इधर से सुना उधर से सुना और अपने आहार में तुरंत ही उसका अमल कर लिया, ऐसा ना करें। यदि व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है तो हमारे ग्रंथों के ऊपर विश्वास रखें, हमारे शास्त्रों के ऊपर विश्वास रखें। खुद नहीं जानते तो किसी से पूछे, और जो व्यक्ति ग्रंथ प्रमाण के साथ, शास्त्र प्रमाण के साथ बात करता है, उनकी बातों का ही अपने जीवन में, अपनी आहार में अनुसरण करें। इस बात का पूरा विवेक रखें, क्योंकि इस विषय में ज्ञान की आजकल तो सभी जगह ऋषि निकल पड़े हैं। तो इस बात का पूरा विवेक रखें कि भाई व्यक्ति बोल रहा है वो केवल उसका प्रयोग तो नहीं है ना, हम प्रयोग के मेंढक न बने, हम विवेक से निर्णय करें। शरीर हमारा है, रोग भी कुछ भी अविवेक से या अपथ्य से रोग भी होंगे तो हमें ही होंगे, सुझाव देने वाले को तो कुछ नहीं जाता है। तो हम ऐसे सुझावों पे ध्यान ना दें, पूरी विवेक बुद्धि से सोच समझ के, यदि मोटे हैं तो दुबले बनने का प्रयास करें, दुबले हैं तो मोटे बनने का प्रयास करें। वैसे शरीर दुबला हो या मोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ शरीर की कामना रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन की उत्पत्ति होती है, और स्वस्थ मन ही आगे जाके विकास कर सकता है। अंततो गत्वा स्वस्थ रहने का हमारा हेतु भी पवित्र हो, तभी जाके हम आगे कुछ विकास कर पाएंगे। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे, और आगे की बात बाद में। नमस्कार।